आपके आइडल पर्सन अक्षय कुमार हैं जी, तो आज ही अक्षय जी का मतलब ब्रदर्स एक एक्शन मूवी ट्रेलर लॉन्च हुआ जी, तो आपको अभी ये चॉकलेटी फ्लेवर छोड़ के कब कभी एक्शन मूवी देखने को मिलेगी? देखिए राइट नाउ अभी हर इंसान को अपनी एक जगह एक एक तरह के कैटेगरी में एक जगह बना लेनी चाहिए। तो मेरा फोकस इस वक्त लव स्टोरीज एंड आई वॉन्ट टू बी एज नोन एज अ चॉकलेट बॉय, जैसे ये मुझे कहती रहती है, आई वॉन्ट टू बी नोन एज अ चॉकलेट बॉय एज अ रोमांटिक हीरो। वंस आई मेक माई प्लेस एज अ रोमांटिक हीरो देन आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर एंड वेंचर आउट एज एन एक्शन हीरो और समथिंग एल्स, बट राइट नाउ माई फोकस इज टू बी एवरी वुमन्स ड्रीम, दैट्स माई फोकस, दैट्स माई ड्रीम। यू नो वॉट वो कम हो गया अभी, इट्स अभी हर कोई मिलता है वो नहीं कहता है, आई थिंक वो फेड आउट हो रहा है एंड पर वो चीज़ हमेशा रहेगी। एंड आई टेल यू समथिंग, आई टेल यू समथिंग, मैंने ये बात इनको अभी तक बताई नहीं है। मैं लास्ट मंथ तिरुपति बालाजी गया था मंदिर प्रे करने की हमारी फिल्म की रिलीज हो रही है तो अच्छा हो मंदिर। ऑन द वे देर वॉज अ पॉइंट जहाँ पे हमारी मेरी जो कार थी उसको टोल का कुछ पैसे वैसे पे करने थे, तो आई वेंट इनसाइड विद द ड्राइवर टू डू ऑल द फॉर्मेलिटीज। उन्होंने मुझे देखा, कहते हमने आपको कहीं देखा है, ये है वो है, आप कोई फिल्म कर रहे हैं? मैंने कहा मैं फिल्म कर रहा हूँ बेज़ुबा इश्क, कि दिखाई दिखाई, आई जस्ट शोड देम अ पिक्चर। ये स्नेहा लाला? मैंने कहा हाँ स्नेहा लाल। अरे वो ऐश्वर्या ऐश्वर्या? मैंने कहा हाँ। तो यू आर स्टिल द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल डाउन साउथ नोन एंड यू आर स्टिल रिमेम्बर्ड एंड एवरीबडी लव्स यू डाउन। इनको पसंद नहीं होता है जब लोग ऐश्वर्या ऐश्वर्या करते रहते हैं, बट खुशी हुई ना जान के कि मतलब इट्स एक्चुअली वेरी स्वीट बिकॉज़ टोल पे एक पुलिस वाले ने इसको मतलब दे हैव सच रिमेंबरिंग, दे रिमेंबर स्नेहा लाल, दे नो स्नेहा लाल, यू नो दे जस्ट नो हर बाय फेस एंड सो या इवन डाउन साउथ पीपल स्टिल हैव दैट लव फॉर यू। अभी आई यू वापस 5-6 फिल्म्स हो जाने दो, आई थिंक वो खुद ही वो फेड अप हो जाएगा। सो अभी वो टैग है, टैग रहने दो मुझे, मतलब एज लॉन्ग एज करियर में नेगेटिव नहीं होता है इट्स ओके। आई मीन मुझे लगता है सबको यूज्ड टू हो गया अभी वो, आई डोंट थिंक एक टॉपिक है वो। बेज़ुबान इश्क मेरे हिसाब से एक बहुत ही पेनफुल लव स्टोरी है। अगर आपका ऑफकोर्स आप सबका कहाँ पे तो दिल टूटा होगा, कोई किसी ना लड़की या लड़का ने तोड़ा होगा, तो आप बेज़ुबान इश्क वो लव स्टोरी के लिए आप ये फिल्म देखिए। देखिए अगर आपने लाइफ में कभी इश्क किया है, कभी मोहब्बत करी है, तो ये फिल्म आप देखिए, आपको आपको अपनी मोहब्बत याद आएगी, यू विल रिमेंबर इट। और अगर आपको प्यार नहीं हुआ, इश्क नहीं हुआ कभी, तो ये फिल्म देख के सीखिए कि इश्क क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है, और आप जिससे भी करना चाहते हैं उसको पूरे दिल से मोहब्बत और इश्क दीजिएगा इस फिल्म देखने के बाद। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।